हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम हो गए हैं रेडी। हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं? फार्म हाउस जा रहे हैं। हमारी लैंग्वेज ठीक नहीं हो सकती, हम फार्म हाउस जा रहे हैं। फार्म हाउस, हम सही तरह तो बताए, हम लोड़ी है, हमारा रे खराब है, है ना? हम गाइस फार्म हाउस जा रहे हैं। सॉरी टू से गाइस, अगर आप में सभी कोई आप लोगों का जानने वाला है या कोई इस तरह से बोलता है तो आई एम रियली सॉरी। वैसे तो कोई मानता ही नहीं है हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन अगर आपके भी कोई फ्रेंड कोई जानने वाला कोई भी इस तरह से बोलता है तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। हमारे यहाँ पे तू वैसे बोलते हो है झूठी ऐसी हो। हाँ ऐसे भी आपको पता चल रहा जी, रही जाना। मैं कभी भी नहीं रे रे करके बोली। स्पेशली जब पाकिस्तान हम जाते हैं ना तो वहाँ पे हमें तो ज्यादा फील नहीं होता, जब हम वहाँ जाते हैं ना तो वहाँ पे कुछ लोग कुछ होते हैं इस तरह बोलते हैं, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। लेकिन मैं किसी को कह नहीं रही, प्लीज कोई बुरा ना मान, अगर किसी को फील हो रहा है तो फोन दो। ओके, तो हमने अपने साथ साथ जो है पुप्पो को भी इनवाइट किया, लेकिन अभी हम उन्हें जाएंगे पिक करेंगे उनके घर से, तो फिर हम उन्हें भी लेकर जाएंगे। तो अभी यहाँ से उन्हें पिक करेंगे, उनको पिक करने के बाद नीचे सब गाड़ी में सामान वगैरह रख रहे हैं और हम भी बस नीचे जा रहे हैं। हमें तो आते हैं सारी झूलों पे। यान कहाँ पे हैं आप? नहीं तो अभी तो आए हैं, क्या हो गया है? तो आइए हम आपको एक्सप्लोर करवाते हैं, मेरा तो वन एंड ओनली घर है, ठीक है, जो मैंने न्यू बनाया है। मुझे खेल के दिखाओ तुम, मैं मान जाऊंगी। खेलो जल्दी शावर, आप ही खेलने लगी, आप ही सल्यूट करते हैं आपको। चलो चलो जीत गई आप ही, तुम जीत गई, आप ही विनर हैं, आप विनर हैं। ओके, तो हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और मैं दिखाती हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। तो आइए देखते हैं कि मामा क्या कर रही है। तो यहाँ पे फ्रिज में चीजें वगैरह रखी जा रही है, मामा यहाँ पे आके भी काम ही कर रही है। वाह, बच्चों के लिए खाना नहीं बनाता? ये क्या बनाने लगी मामा अभी? ये चावल भी हो रही है, बिरयानी का मसाला घर से बना के लेके थे। इधर भी मामा से काम ही कर रही है। ये नूडल्स मामा कौन खाएगा? और ये घर की फ्रिज से ज्यादा ही फुल लग रही है मुझे तो। तो गाइस आज हम करने वाले हैं 24 आवर इन अ पूल, और ये हम झूठ बोल रहे हैं। 3 2 1। ओके, तो हम सब जो है, तो यार पहले समी को दिखा दो उसको। ये समी है और वो अयान है। मैं फिश हूं यार, गाइस देख, मैं यार तुम अभी ना हट।
ओके अच्छा ठीक है, इनकी पहले बना दो तू बता। लास्ट टाइम आए थे उनको स्टिल मिस अहमद, हम याद करें कि अहमद ऐसे करते हैं। अहमद अभी पाकिस्तान गया है और हमें अहमद की बहुत ज्यादा याद आ रही है। और मैंने फेंक दिया था दुआ तुम्हें, मैंने तुम्हें फेंक दिया था, मतलब तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है। खाना खाने लगे हैं और ज़ैनब ने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वो नहाने में कुछ ज़्यादा ही बिजी है, स्विमिंग करने में आई मीन। तो आइए देखते हैं, हम सब बैठ के खाना खा रहे हैं और जैसे मैं कैमरा लेकर गई हूँ सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जिससे हम पता नहीं क्या हो गया है। बिरयानी बन गई है, खा भी ली मामा ने नाए। बस बस कोक जी और सभी ये खाएंगे है ना, चलें खा लें। ओके सो गाइस, हम एक बार फिर से फ्रेश वगैरह हो चुकी हैं दोबारा से, एक बार हमने शावर ले लिया। हम मुसलसल पिछले 4 घंटों से हम पूल में थे और अभी अभी बाहर आई और मैंने कहा कि यार बस अब बस बहुत हो गई है। एक तो मैं जब भी कैमरा ओपन करती हूँ अब तो समय पहले मेरा व्लॉग बना लो, पहले बना लो जी बिना आपके बिना मैं कब बना रही हूँ छम्मी की। यहाँ पर समी वहाँ खड़े होंगे और रेस लगाएंगे, देखते हैं पहले कौन पहुँचता है मेरे तक। चलो समी आ गया, चलो 3 समी पीछे पीछे चिटिंग ये तो चिटिंग हुई है ना। 3 2 1 गो दोनों विनर है, दोनों एक साथ आए हो। मैं नहीं आया, मैंने एक को चूज नहीं कर सकती ना, आप दोनों मेरे भाई हो इसलिए दोनों विनर हो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि पापा इस वक्त क्या कर रहे हैं, हमारी डैडी क्या कर रहे हैं इस टाइम पे। आज वो भी जरा ना खुश है वो, तो देखें सामने तो गेम खेली जा रही है, देखते हैं कौन विनर है। अब तक कौन विनर हुआ है, अभी तक बराबर जा रही है, कौन जीता है। मेरे डैडी जीत गए हैं, आपने देखा जैसे कि मेरी तरह है, वो भी विनर हो गए। अभी जो है हम रात को बारबेक्यू भी करेंगे जो कि मैं उसका भी व्लॉग बनाऊंगी। हम सुबह के टाइम पे आए हैं और रात मतलब पूरा दिन यहाँ पे रहेंगे और रात को हम वापस घर पे चले जाएंगे। तो अभी यहाँ पे अब्दुल समी जो है बैठ के झूले ले रहे हैं, वो देखें अब्दुल समी इतनी स्पीड में झूले ले रहे हैं, लगता है अब्दुल समी ने रात अब्दुल समी क्या हुआ है। मैं अब्दुल समी को देख लूँ ज़रा, और सामने आपी चलती हुई यहाँ फिर पूल में चला गया है, अभी तो फ्रेश हो के ना आए हैं। तो आप ही बताइए आपको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। कोई एक लिमिट बताओ ना कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है। 100% अच्छा लग रहा है, 100% अच्छा लग रहा है। बाकी मैं आपसे मिलती हूँ जब हम करेंगे बारबेक्यू, क्योंकि मैं मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं कुछ कैप्चर कर सकूँ। हमने इतनी ज़्यादा स्विमिंग की, हमें इतनी अच्छी स्विमिंग आती कि हम समुद्र में डूब ही रहे होंगे ना, हम बहुत अच्छी कर सकते हैं ना। आप हमें कितनी अच्छी स्विमिंग आती है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो कुछ ज़्यादा ही आती है ना, मुझे ज़्यादा अच्छी आती है, आप ही को ज़्यादा अच्छी से नहीं आती। मैं तो शार्क फिश के साथ खेलती हूँ, मैं डॉल्फिश के साथ खेलती हूँ। अब तो समी को क्या हो गया है, क्यों नाराज हो गया अब समी। अच्छा यार मैं समी को मना लूँ पहले, ये लड़का नहीं नहा थक सकता यार, कोई भी नहीं है सिर्फ आप हो इस टाइम पे अंदर। बताएं कब बाहर आना है, कल तो रात को तो हम चल जाएंगे, आप अकेले रहोगे यहाँ पे, रह लोगे अकेले। सोच लेना फिर रोना मत बाद में अगर हम आपको छोड़ गए यहाँ पे, रोगे तो नहीं पक्का।
अंधेरा हो जाए ना रात को। ओह माय गॉड गाइस, हमारी एक बहन कम हो गई है, सुबह मिल नहीं रही, गुम हो गई है, आ जाएगी, यही कहीं होगी। ओके तो कल ना पुप्पू आई हुई थी तो हम खेल रहे थे एक गेम, ठीक है, उसमें जो है ना दुबा आउट हो गई थी, तो दुबा ने अब खिलाने हैं। उसका नाम क्यों नहीं ले रही, पहले नाम लो तो। क्या नाम था वो जो फिंगर्स पे खेलते हैं ना, यसु पंजू, हाँ हम वो खेल रहे थे, तो दुबा आउट हो गई थी, दुबा ने अब गोलगप्पे खिलाने का, पुप्पू आउट हुई थी तो पुप्पू ने हमें जो है फलूदा खिलाया था, ठीक है, तो आज दुबा की बारी है, दुबा खिलाने के लिए रेडी है आप? हाँ। कितनी परसेंट रेडी है आप? 100%। गाइस हम लोग पाकिस्तान जाने हैं, गाइस हम लाहौर में रहते हैं, हमारे भाई ने फाइनली पूल से बाहर निकल लिया है, तो वो कह रहा था तो मामा मुझे नहीं नहीं करा दे, तो हमारा भाई ना के भी निकला है, मैं अपना भाई दिखाती हूँ। छोटे भाई किधर जा रहे हो, इधर तो आओ मेरे सामने, सामने आओ मेरे, किधर जा रहे हो, मेरी हंसी कंट्रोल। अभी चलो तुम मुझे मेरे बारे में कुछ ऐसी चीज कुछ बताओ मेरे बारे में कि मुझ में ऐसा क्या है, मुझे बताओ। अरे कहना क्या चाहते हो? अंडे वाला बर्गर, मुझे अंडे वाला बर्गर। यार क्या चिचोर बने, तमीज नहीं आपको? कमीज तो पहनी हुई है इससे बढ़िया, बस यही कमीज। कुछ बताओ मेरे बारे में कि मैं कैसी पर्सन हूँ। वो कह रही मैं दसनी है, वो कैसी हूँ मैं? बहुत अच्छी। नहीं नहीं बहुत अच्छी हूँ मैं, मुझे भी पता है। अच्छा हम पूल में बैठे हुए तो ना हम लोग ना ऐसे बात कर रहे, हम लोग ऐसे ना बात कर रहे कि ना जब हम बड़े हो जाएंगे ना तो ये होगा ये होगा, तो पुप्पू आगे से कहती है कि ना जब हम बड़े, जब तुम लोग बड़े हो जाओगे ना, तो ना वो कहती है जब जैनब बड़ी हो जाएगी, जब जैनब अपने शोहर के साथ हमारे घर आया करेगी ना, तो जैनब यहाँ के बच्चों के साथ लड़ा करेगी, क्या तुम मेरे पुत्र को मार। अबे मेरी एज क्या, मेरी शादी पे पहुंच गई हो दुबा तुम, मतलब हद होती है ये, मैं तुम्हारी हरकतें बता रही हूं, मेरी ऐसी हरकतें नहीं है, बताइए देख ले, इतनी नहीं मैं इतनी का टारगेट रखना, हम पाकिस्तान जा रहे हैं क्योंकि तुमने इसमें बोला, हम पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, आप कह रही हो व्लॉग के थंबनेल के बारे में, हम पाकिस्तान जा रहे हैं, हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, ये सरप्राइज है, हम जा रहे हैं लेकिन बताएंगे नहीं, मैंने सच बता दिया आप ही, हम लोग जा रहे हैं। मां तेनु कुत्ते, पुप्पो सामने बैठ के झूले ले रही है हमारे, हम दिखा नहीं सकते, हमारे पुप्पो पर्दा करती है। यस यस बहुत है, क्या पर्दा करती है, पर्दा। ओके मैं कैसी हूं, थोड़ी बहुत गुस्से वाली भी है, गुस्सा मेरा गुस्सा कैसा है, लेकिन ये भी बताओ गुस्सा आपका ज्यादा है, लेकिन जब सही हो जाता है तो कैसा हो, मतलब कितनी देर का मेरा गुस्सा होता है? थोड़ी देर का होता है। हाँ, लेकिन नहीं जी, कि एक अच्छी आदत ये है कि ज़ैनब लोगों को जल्दी माफ कर देती है, ये थोड़ी देर का होता है। मैं मम्मा कहती है कि ना ज़ैनब जो है ना मुंह पे बात मार देती है, और रिलिशबा जो है ना बात को दिल में रख लेती, तो ज़ैनब सही है। मैं कहती हूँ कैसे ज़ैनब सही है, दिल में बात रखने वाला इंसान ठीक है, किसी के मुंह पे बात नहीं मारने। मैं आपको इस बारे में बताऊं, जो लोग दिल में बात रखते हैं ना वो मुंह पे नहीं करते, उसके लिए दिल में नहीं नहीं वो ना उसके लिए फिर दिल में रखते हैं कि ये इंसान ऐसा ये पसंद नहीं है, लेकिन मुंह पे कहेंगे यार तुम बहुत अच्छी हो तुम ऐसी। मैंने खुद अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि यार तुम तो इतनी अच्छी हो तुम ऐसी हो, लेकिन पीछे से वो क्या बातें करते हैं, इसलिए जो बात है जो आपके दिल में बात हो वो साफ करनी चाहिए, ना कि छुपा के रखे अपने दिलों में, रखे एक दूसरे के लिए हसद और नफरत पैदा करें, तो बात को और क्लियर कर लेना चाहिए मामा का मतलब ये है। और आप ही ये लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, बहुत जल्दी आता है, लेकिन जो मेरा गुस्सा होता है वो बहुत टेम्परेरी सा होता है, मुझे छोटी छोटी बात आ जाता है, लेकिन जो आता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मैं अगले ही सेकंड में नॉर्मल हो जाती हूँ, बेशक सामने वाला इंसान बस कर दे जो मर्जी मुझे कह रहा है, बस करो ब्ला 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 अपनी है। तू बहुत क्लेवर है, बहुत क्लेवर है, इसके पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है, माशाल्लाह बहुत बहुत क्लेवर है। ये लो दुपट्टा। ज़ैनब अब आप बताएं कि मैं कैसी हूँ। आप जो है ना, आप यहाँ मामा मेरे बारे में बताएं मेरा नेचर कैसा है। बहुत अच्छा। नहीं मतलब मेरे मामा बताओ सबसे तमीज़दार अक्कल वाली कौन है? मैं। मामा मेरे बारे में कुछ बताएं कि मैं कैसी हूँ। तुम बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हो। लेकिन मैं अगर हाइपर होती भी हूँ जल्दी तो मेरा गुस्सा थोड़ा सा होता है। हाँ तो आप ही अच्छी है, सही है, आप क्या बोलेंगे? सही तरह वाला बताओ। हाँ तो अच्छी है, मैं क्या सही बताऊँ, मतलब
हर किसी की हेल्प कर लेती है आप ही। अगर मैं आप ही से कोई भी चीज़ मांगू तो आप ही दे। मैं जो ना मैं अपनी चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ, आप ही अपनी चीज़ें शेयर कर लेती है, दे भी देती है। तो मामा भी आ गई हैं। मामा की नेचर बताओ बच्चों। मामा की नेचर के तो अभी मैं खाने का वेट कर रही हूँ, बहुत जोरों शोरों से भूख लग रही है मुझे। तो तब तक मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू कैसा है। ओके, तो यहाँ पे अभी प्रिपरेशन चल रही है बारबेक्यू की, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। फार्म हाउस में छिपकली आ गई। ओह माय गॉड, ये जाएगी कैसे? मुझे तो डर लग रहा है, मुझे खुद बहुत गंदी लगती है। डैडी को डरते इससे, सोफे के नीचे चली गई है, मामा को चलते हैं। हमारी पूरी फैमिली को छिपकली से डर लगता है, इवन पापा को भी लगता है। बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमने भी आज बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूला। सो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे अपने न्यू धमाकेदार वीडियो में। अच्छी लगती है तो करना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना। सब्सक्राइब करना तो कर देना, नहीं करना तो हम आपके घर आके आपके फोन से बेल आइकन आके दबा देंगे, कोई मसला नहीं। हाँ। आप लोगों के गर्दे ने मार के इतनी सी बात है। हाँ। बस बोलो यार, चलो बोलो। लोग अपना लगा के रखना, इतनी सी बात बस।